मेला पर बैठा रहा मेला पर बच्चे पूर्ण रूप से ड्रेस में और जूते मोजे में बुलाए गए थे, क्योंकि बच्चे कल ही से यहाँ पे ठहरे हुए हैं। तो जिन बच्चों की प्रतियोगिताएं नहीं चल रही हैं, वो हो सकता है कि वो अपने उस वेश में ना हो या स्लीपर्स में हो, अन्यथा सभी बच्चे ड्रेस में आए हुए हैं पूर्ण रूप से जूते मोजे और ट्रैक के साथ। आज हरदोई में जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता जिस समय चल रही थी, उस समय स्टेडियम के बाहर प्राथमिक विद्यालय की ड्रेस पहनकर कुछ बच्चे स्नैक्स व पॉपकॉर्न बेचते भी नजर आए। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रही है, वहीं आज जनपद स्तरीय इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, मगर स्टेडियम के अंदर जाने वाले जिलाधिकारी व अन्य बड़े अधिकारियों से लेकर किसी की भी नजर इस बच्चे पर नहीं पड़ी जो कि वहां गेट के बाहर बैठ के पॉपकॉर्न और स्नैक्स बेचता रहा। उस बच्चे से जब बात की गई तो उसने बताया कि वह हरदोई प्राथमिक विद्यालय का छात्र है और कक्षा 4 में पढ़ता है। वहीं उसने ये भी कहा कि उसको इस प्रतियोगिता के बारे में किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी पाए गए जो नंगे पैर व चप्पलें पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे। ऐसे में जब डीएसए हरदोई से बात की तो उन्होंने मामले की जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश।